ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे क्लास 8 सीबीएसई बोर्ड की एक कविता, जो हिंदी की कविता है, कबीर की साखियाँ। क्लास 8 सीबीएसई बोर्ड के बुक बसंत भाग 3 में यह संकलित है और इसमें कुल मिलाकर 5 साखियाँ हैं कबीर की। तो आज इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन बात आगे बढ़े इसके पहले यह जान लेना जरूरी होता है कि साखी कहते किसको हैं। बच्चों, आपको पता ही होगा कि संत कबीर हिंदी साहित्य में भक्त कवि के रूप में जाने जाते हैं। ये निर्गुण कवि थे। कबीर की जितनी भी कविताएं हैं उन्हें हम साक्ष्य के रूप में प्रयोग करते हैं, उन्हें हम एक प्रामाणिकता के साथ उसका उपयोग करते हैं। इसीलिए कबीरदास की जो भी कविताएं हैं उसे साखी कहा जाता है। तो आज इसी साखी की व्याख्या मैं आप लोगों के पास करूंगा, आप लोगों के सामने करूंगा। ये जो 5 साखियां बहुत ही बहुमूल्य साखियां हैं, इसके अंतर छिपे हुए जो भी इसके अर्थ हैं वह मैं अपनी ओर से आप लोगों के सामने उद्घाटित करने का प्रयास करूंगा, लेकिन इसकी व्याख्या शुरू करूं इसके पहले अन्य दिनों की तरह आज फिर एक बार आपसे मेरी यह गुजारिश होगी, एक रिक्वेस्ट होगा, जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के वक्त इस बेल आइकन को हिट करने के लिए बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब कुछ भी यहां से मैं अपडेट करूं उसकी जानकारी इमीडिएटली आपके पास आ जाए। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, राइट। तो आज अब बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए आगे बढ़ते हैं, इनकी साखी को समझने का प्रयास करते हैं। पहली साखी, कबीर कह रहे हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहने दो म्यान। यह कविता जो है कबीर की जातिवाद के विरोध में, जातिवाद पर एक चोट करने के लिए उन्होंने लिखा था। कबीर की जितनी भी कविताएं, जितनी भी साखियां आप पढ़ेंगे उसके अंदर एक विशेष अर्थ छुपा हुआ है। इस कविता के माध्यम से कबीर कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति की पहचान उसकी जाति नहीं होती, क्योंकि जाति प्रथा के कारण भारतीय समाज लगभग टूट सा गया था। और उस समय कबीर ने यह घोषणा की कि किसी व्यक्ति की पहचान जाति से नहीं होती। साधु मतलब सज्जन, महान पुरुष, किसी महान पुरुष की जो पहचान है जाति से नहीं होती, किससे होती है? ज्ञान से होती है। जिस तरह इन्होंने यहां पर एक उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास किया, जिस तरह कि हम तलवार को पहचानते हैं, तलवार का मोल होता है उसके म्यान का नहीं। म्यान क्या है? वह खोखला सा भाग जिसमें कि तलवार को रखा जाता है। वह तो केवल तलवार रखने की एक विषय, एक वस्तु है, वस्तुतः मोल तो तलवार की होती है। ठीक उसी प्रकार जाति किसी व्यक्ति की पहचान नहीं, जाति से कोई व्यक्ति जाना नहीं जाता। अगर जानना है तो उसके ज्ञान को जानने और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यह रही आपकी पहली साखी। आगे कबीर कहते हैं, गाव आबत गारी एक है, उलट होत अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। यहां पर कबीर दास जी ने गाली मतलब किसी के दुर्व्यवहार को सहकर क्षमा कर देने की बात यहां पर कह रहे हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि यदि हमें कोई गाली देता है तो हम भी पलटकर उसे गालियां देंगे तो उसकी संख्या लगातार बढ़ती चली जाएगी, झगड़ा झंझट होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि वह भी पलटकर कुछ ना कुछ बोलेगा। इसलिए हम उसकी गाली पर ध्यान नहीं देंगे तो बात वहीं खत्म होकर रह जाएगी। मतलब एक जो गाली उसने दी थी वह गाली में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, वही एक का एक वह समाप्त हो जाएगा। इसलिए यदि कोई दुर्व्यवहार भी करे तो उसे क्षमा कर देना चाहिए, प्रत्युत्तर उसका नहीं करना चाहिए। तीसरी साखी आपके पाठ्यपुस्तक की, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुमा तो दहु दिसि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी बाह्य आडंबर के बहुत बड़े विरोधी थे। आप
इस कविता के माध्यम से, साखी के माध्यम से कबीरदास ने समाज में ऐसे पोंगापंथी, पोंगा पंडित के ऊपर व्यंग किया है और ये उसका विरोध किया है, जो तो अपना समय माला फेरने में, प्रभु नाम जप करने में बिताते हैं, लेकिन वस्तुतः वह अंतर से भगवान के प्रति समर्पित नहीं रहते हैं। कबीर ने बड़ा सुंदर ढंग से इसे कहा है कि माला तो करमय फिरे, जप करने के लिए लोग माला का यूज करते हैं, जीव फिरे मुखमा, लेकिन जीव क्या है, हाथ में माला चल रही है, जिह्वा से प्रभु नाम सुमिरन भी किया जा रहा है, लेकिन मनवा तो दस दहो दिशी फिरे, लेकिन इसके बीच में मन अस्थिर नहीं है। अगर मन अस्थिर नहीं है तो यह सुमिरन मतलब भक्ति नहीं है, यह ईश्वर का सुमिरन नहीं है। ईश्वर का सुमिरन तो तभी सार्थक होता है जब अपने मन से पूर्ण रूप से हम समर्पित होते हैं। यहाँ पर बाह्य आडंबर के रूप में हम माला फेर रहे हैं, प्रभु नाम का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन आंतरिक तौर पर ना तो हम उस माला के साथ हैं, ना तो हम नाम के साथ हैं, हमारा मन कहीं और अन्य दसो दिशाओं में भ्रमण कर रहा होता है, तो वस्तुतः यह सुमिरन नहीं है, यह ईश्वर भक्ति नहीं है, कबीर ने साखी में समझाया है। कबीर घास न नींदिए जो पायन तली होए, उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुलेरी होए। इस कविता में कबीर दास ने क्या कहा है कि हम कभी भी अपने से छोटे की को परेशान करने का प्रयास ना करें, है ना, हम किसी छोटे को कमजोर समझकर दबाने का प्रयास ना करें। इस कविता के माध्यम से कबीर दास जी कह रहे हैं, वे कहते हैं कि हमें कभी घास को छोटा समझकर उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि संयोगवश यदि घास का कोई एक टीला उड़कर आंख में पड़ जाए तो क्या हो जाए, खरी दुलेरी हो, है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा, खरी मतलब कठिन, दुलेरी मतलब दुख दुहेली, तो हमारा दुख कठिन हो जाता है। कभी आंख में किसी का अगर तिनका पड़ा हो तो वो अनुभव कर सकते हैं आंख में किस प्रकार की जलन और पीड़ा हो जाती है। तो इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने छोटे को कमजोर समझकर उसे दबाने की चेतावनी दी है, ना ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसे हम छोटा समझते हैं उसके ऊपर अत्याचार नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि छोटा भी चाहे तो हमें परेशानी में डाल सकता है, हमारे दुख को बढ़ा सकता है। ठीक है, अंतिम साखी आपके पाठ्यपुस्तक की, जग में बैरी को नहीं जो मन शीतल होए, या आपा की आपा को डारी दे दया करे सब को। जग मतलब संसार, वैरी मतलब शत्रु, शीतल मतलब शांति, आपा मतलब स्वार्थ। इस प्रस्तुत कविता में, प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी ने स्वार्थ त्याग कर हमें दयावान बनने की प्रेरणा दी है। क्या कह रहे हैं, जग में बैरी कोई नहीं, इसमें कबीर कह रहे हैं कि अगर आपका मन शांत है, जो मन शीतल हो, मतलब आपका अगर मन शांत है तो संसार में आपका कोई भी शत्रु नहीं है। या आपा को डारी दे, डारी मतलब फेंक देना, अपने स्वार्थ को फेंक दीजिए तो दया करे सबको। टकराव वहीं पर पैदा होता है जहां पर स्वार्थ सामने आ जाता है। कबीरदास जी स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि यदि आपने अपना स्वार्थ फेंक दिया, डार दिया, तो सभी आपके ऊपर दया करेंगे। आपका मन अगर शीतल होगा तो कोई आपका वैरी नहीं रहेगा। ठीक है, तो यह रही आपके ये पांचों साखियां कबीरदास की, जो आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित है। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पक्का विश्वास है कि यह कविता आपको समझ में आ ही गई होगी। अब एक बार फिर आपकी बारी, अभी का अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर और कमेंट करें। इस कविता का जो भावार्थ है मैं सब्सक्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। इस चैनल को देखते रहें, शेयर करें। मिलते हैं अगली बार कुछ नए पाठ्यक्रम के साथ, कुछ नई सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।